बात समझ आ गई है कामी? सर जी, ये जो आप हम सबका उल्टा नाम लेते हैं, जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपकी वर्दी उतरेगी, तब आप मोहल्ले में निकलेंगे ना, तो मोहल्ले के बच्चे आपको करमू बाबा कह के पुकारेंगे। तेरे मुंह में सात चुल्लों की स्वा। जिस वक्त कर्म दाद वह रिटायरमेंट के बाद बोस्की की सलवार कमीज वालों में मोती का तेल लगा कर मल्ले में से गुजरेगा तो हर घर से एक कोई आवाज आएगी, दफाओ दरबार क्या लड़े आया थी। किससे बातें कर रहा है? तो मैं ये कह रहा था कि जब रिटायरमेंट के बाद मैं गली मोहल्लों में से गुजरूंगा तो एक कोई आवाज आएगी, चोरी साहब आ गए, चोरी साहब आ गए, चोरी साहब आ गए। बड़ा नूरी नत देखो। टेंशन होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। साहब किसी वक्त भी फेरा मार सकता। एक तो ना ये खुद मुक्ता है ना इसकी नौसत मुक्ति है। मैम मुझे लगता है जब तक सर जासिम है ना यहाँ पर, तो आपकी रोज क्लास हुआ करेगी। आप एक काम करें, छुट्टी लें, वर्ल्ड टूर पे जाएं, अपना ड्रीम पूरा करें। मैं उस खड़ू से एसपी से डरती थोड़ी ना, वो तो मैं बस उसका लिहाज करती हूँ। मैं आ जाऊँ वरना मैं तो उसको ऐसा सबक सिखाऊँ। मैम रहने देना। एक तो जब भी उस खड़ू से एसपी को मैं कुछ कहने लगती हूँ तुम बीच में टोक देते हो आके। सर आप, सर लोकेशन का पता चल गया है। पिछले एक घंटे से ये नंबर इसी बिल्डिंग में और अब एक ही जगह पे रुका हुआ है। किस बिल्डिंग में? सर ये अफजल ट्रस्ट हॉस्पिटल में। अफजल ट्रस्ट हॉस्पिटल। हेलो, व्हाट? बता तो देते मुझे। आप सुनती कहाँ हैं? सर ये तो वही आदमी है असलम, जिसे मरने से पहले बाबा को कॉल की थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी। ये कह रहा था कि इसे उजाला बिखेरने का एक मौका मिला है, उसे ये जाया नहीं होने दे। शायद किसी राज को छुपाने की सजा मिली है इसे। फोरेंसिक टीम को कॉल करो, बुलाओ फौरन। जी मिस्तानी, क्या रिपोर्ट है? सर इसका मर्डर हुआ है। सर असलम को किसी ने बिल्डिंग से धक्का जरूर मारा है, लेकिन इसकी मौत किडनी की वजह से नहीं हुई। तो फिर? सर इसको जहर दिया गया और जहर इसे मरने से आधा घंटा पहले दिया गया। डेथ से पहले असलम की जो सेलफोन की लोकेशन है वो भी यही बता रही थी कि वो एक घंटे पहले से उस बिल्डिंग में मौजूद था। इसका मतलब है कि उसे जहर उसी बिल्डिंग में किसी ने दिया। और सर क्राइम सीन से जो हमें असलम का टूटा हुआ फोन मिला था उससे भी कोई मदद नहीं मिल सकी। सर ये असलम के घर से डॉक्यूमेंट मिले, असलम उसी अस्पताल में एडमिट में असिस्टेंट है। सर सर हमने अफसल से रब्ता करने का कोशिश की है, लेकिन सब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर गया है। सर कुछ दिन के बाद वापस आएगा। नाजर हुसैन, ये शाकिर और कामी थाने में रहते हैं कहीं बाहर भी जाते हैं? निकम्मे हैं सर, सारा दिन ड्रामे करते हैं। आप हुक्म करें सर, कल ही गश्त पे ड्यूटी लगा देता हूं उनकी। नाजर हुसैन तुम्हें अकल कब आएगी?